साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। कुछ महीने पहले ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। अमृतकाल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव, और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं और फौजियों की ये धरती, वीर माताओं की ये धरती जब कुछ संकल्प ले लेती है तो उसे सिद्ध करके ही दिखाती है।